Hello aspirants. In this particular video, first of all, welcome to Maluka IS. And in this particular video, we are going to discuss about the tail render words, about the words like critically examine, analyze, comment, discuss, elucidate, substantiate. There are a lot of words which are used by APSC or UPSC both in the mains examination. And many of you, many of you have a different doubts regarding to this. Sir, that, sir, in which word, what should be the approach for the answer? critically examine, analyze, comment, discuss, elucidate, substantiate, then what should be the approach? Should in all the answers, we should go like, a uh, single approach, go in a single approach, or we should have different approach and different answers. So first of all, before this, I would like to discuss you some of the questions, basically, of second paper from GS. The question from UPSC perspective. We will see some questions, and then we will go for the discussion of all the words. I have identified around 20, 25 words from where questions from, uh, which are used in the questions they are their number are exactly 20 23 we will discuss each and every one just wait and watch first of all let's go through some questions and then we will discuss each and every one if you will see here then you will get here it is rated discuss then here again comment Uh, to what extent your opinion has decentralization of power in the change the governance landscape? चलो इसमें थोड़ा एकदम अलग पूछा है फिर discuss, 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 here also discuss, then comment, critically examine. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को जब क्रिटिकली एग्जामिन के बारे में बात करते हैं। क्या करना है देखेंगे डोंट वरी वी विल डिस्कस क्रिटिकली एग्जामिन देन हियर अगेन डिस्कस डिस्कस द राइट टू देन एनालाइज कम्स अर्ड एनालाइज अब क्या एनालिस का क्या सेंस होता है रिकमेंडेशन चलो बेसिक क्वेश्चन इसमें कोई इस तरह का वर्ड नहीं यूज हुआ लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में इफ यू एनालाइज हेयर हेयर एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन कमेंट डिस्कस ठीक है Uh, in this question, also explain, explain, then comment, discuss, discuss. Then, means if you they are the question of second paper GS2, uh, and uh, GS2, and they have all the last 10 year questions 2013 to 2022. And if you will go through any of the paper, any of the paper, you will find there will be certain questions like that. बच्चा बार बार परेशान है कि सर क्या किया जाए हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ द वर्ड दैट इज क्रिटिकल क्रिटिकल द वर्ड द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द वर्ड क्रिटिकल क्योंकि ये वर्ड ही अपने आप में क्रिटिकल है बाकी फिर एक एक करके देखेंगे फर्स्टली वी सूड स्टार्ट क्रिटिसिजम या क्रिटिकल अब इन प्रेजेंट सिनेरियो बीइंग क्रिटिकल या क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिसिज्म का बहुत नेगेटिव कनोटेशन हो गया है वी ऑलवेज थिंक दे क्रिटिसिज्म की अगर हिंदी मीनिंग कुछ बच्चे हिंदी भाषी होंगे हिंदी मीनिंग अगर बात करोगे तो हिंदी में इसको कहते हैं आलोचना और इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता इसे कहते हैं निंदा हम जनरली निंदा और आलोचना को हम एक ही शब्द समझ लेते हैं जनरली निंदा और आलोचना को एक ही शब्द समझ लेते हैं और क्रिटिसिजम केस में निंदा करने लगते हैं देखो निंदा इज अ नेगेटिव टर्म ये नेगेटिव होता है जनरल जो दिमाग में एक परसेप्शन बन गया वही बन गया है एंड आलोचना हैज बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा जब आलोचना की बात होगी तो दे आर सेल्वी पॉजिटिव नेगेटिव साइड बोथ मीन्स वेर एवर द क्रिटिकल वर्ड केम वेरेवर वेर एवर द क्रिटिकल वर्ड केम यूज टू राइट द प्रोस एंड कॉन्स बोथ ऑफ दॉपिक दोनों पे बात करनी किसी एक को छोड़ नहीं सकते हम क्या करते ऐसे किस में कोई क्वेश्चन आया भावना हम बह गए फिर लिख डाल लिख डालफ ऑनली वन साइड नो यही आज के डेट में मीडिया की सबसे बड़ी कमी हो गई है आज के डेट में मीडिया की सबसे बड़ी कमी मीडिया मीन्स टू बी क्रिटिकल लेकिन क्रिटिकल नहीं है दे आर ऑन आइदर दिस साइड और दिस साइड बीच में नहीं है ये प्रॉब्लम है इसीलिए 2020 में किससे भी आया था कि बायस मीडिया इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी यूपीएससी में आया था तो पहला जो पॉइंट था दैट इज क्रिटिकल मैं सिर्फ एक शब्द अभी इसके साथ क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज वो अलग से देखना है मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं क्रिटिकल वर्ड का मतलब क्रिटिकल वर्ड मीन्स द प्रोस एंड कॉन्स बोथ द पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ दॉपिक बोथ दोनों पर बात करनी आपको अब इसी के साथ जब अगर वर्ड जुटता है इफ देर इज एडिशन वर्ड एनालाइज एनालिसिस देखो दो शब्द होते हैं एक होता है एनालिसिस और एक होता है सिंथेसिस अब एनालिसिस का प्रॉपर मतलब ना पता हो लेकिन सिंथेसिस का पता हो सिंथेसिस मतलब क्या होता है फॉर्मेशन सिंथेसिस टू फॉर्म समथिंग एनलिसिस मीन होता है टू ब्रेक डाउन समथिंग एनालिसिस मीनस टू ब्रेक डाउन समथिंग किस चीज को तोड़ना टू ब्रेक डाउन इन स्मॉल मीन्स जो भी स्टेटमेंट दिया है लाइक लेट्स गो टू वन ऑफ द क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिनियर हियर इट इज द क्वेश्चन हियर इट इज द क्वेश्चन इस साल का है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड अब क्रिटिसिज्म भी कहा और एग्जामिन भी कहा या भी जो। इस, आएंगे, पुछ पुछ पुछ। इस भी पर आएंगे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कुछ इस पर बात करो एग्जामिन वर्ड तो मैंने भी डिस्कस नहीं किया देर वॉज अ क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन िन yeah, पे क्वेश्चन है चलो, पे पहले बात कर लेते हैं फिर आ जाते हैं इस जरूर देखो यहां क्वेश्चन और एक हो गया क्रिटिकली अब क्रिटिकल के साथ तीन वर्ड आ रहे हैं। यहां देखो डिस्कस क्रिटिकली तो चलो पहले उस पर बात कर लेते फिर आते तो एक शब्द हो गया एनालिसिस और एक शब्द हो गया एग्जामिन एंड द थर्ड वर्ड इज डिस्कस थर्ड वर्ड इज डिस्कस और तीनों किसके साथ यूज हो यूजर है क्या बताया क्रिटिकल आज के बाद नेवर गो नेगेटिव कनोटेशन के क्रिटिसिज्म का मतलब होता है सिर्फ किसी की नेगेटिविटी बात करना नो इट्स नॉट लाइक दैट क्रिटिसिज्म इज अबाउट टू टॉप अबाउट पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ अब यहां कभी कभी क्या होता है आपके अंदर एक भावना आती है कि सर जिस मुद्दे पे क्वेश्चन पूछा उसमें negative, uh, उसमें तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं बहुत बार आप ज्यादा पॉजिटिव बात करने की बात करते हैं। वहां भी जरूर कुछ ना कुछ ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिमोनिटाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया डी पे कोई क्वेश्चन आ गया अब डिमोनीटाइजेशन हुआ क्यों था ब्लैक मनी को खत्म करने के तरह तरह की चीजें करने के लिए लेकिन बाद में अराउंड 99.7 परसेंट जो करेंसी थी वापस आ गई ठीक है हाँ ये बात तो सही है फिर क्या फेल है अगर आ जाए द प्रोसेस ऑफ डिमोनिटाइजेशन वॉज अ डिजास्टर क्रिटिकली एग्जामिन ये स्टेटमेंट आ जाए तो क्या करोगे अब भर अब तो अंदर भावनाएं भरी पड़ी है सबने उसको झेला त्रास झेला लिख दिए और आंसर नंबर नहीं मिला तो उसमें आपको दो तीन पॉइंट के पॉजिटिव ही डालने पड़ेंगे कि जो आ, नकली करेंसी थी वो कम हो गई इंडिया में फिर क्या बोलते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो गई जो टेरर फाइनेंसिंग होती थी नए नोट उतनी आसानी से नहीं अवेलेबल हो पा रहे वो कम हो गया उसके दो तीन पॉजिटिव भी लिखिए नहीं कि अगर क्रिटिकली एग्जामिन की बात कर दी और आपको नहीं पसंद है तो हम सारे नेगेटिव लिख के आ जाएंगे दैट शोज योर नेगेटिव कैरेक्टर एग्जामिनर ने अगर वो पढ़ा और सिर्फ आपनेटिव लिखे हैं उसमें पॉजिटिव एक भी नहीं है तो वही होता बहुत बार आप सोचते थे मैंने तो सारे क्वेश्चन लिखे थे बट आई वोट द मार्क रीजन यही है Reason is कि आपने सिर्फ एक साइड लिखा तो जहां भी क्रिटिकल वर्ड आया वेर एवर द क्रिटिकल वर्ड इज ट्राई टू बी बैलेंस अब इन तीनों शब्दों की बात करते हैं एनालिसिस एग्जामिन एंड डिस्क एनालिस एग्जामिन एंड डिस्कस देखो डिस्कस जब आता है वेन एवर यू हे दर्ड डिस्कस डिस्कस थोड़ा सा इजी हो जाता है डिस्कस इज समहाउ इजी वर्ड लेकिन वही अगर डिस्क्राइब आ जाता है एक्सप्लेन आ जाता है थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्कस इज लाइक ओपन एंडेड डिस्कस जहां आ गया दैट इज ओपन एंडेड डिस्क इज अपन एंडेड वर्ड आपको जहां भी ऐसे क्वेश्चन में जब डिस्कस की बात करें यहां आप अपने थॉट भी लिख सकते हैं यूज द होलिस्टिक अप्रोच उसके आसपास की सारी बातें लिख जाओ कम से कम सबने वही प्रॉब्लम होती है शब्द आपके पास कम से कम होने चाहिए तो डिस्कस ओपन एंडेड जितना चाहो उतना लिख सकते हो एनालिसिस uh, समझ में आए आगे आप ब्रेक डाउन करेंगे फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे उसके पॉजिटिव कोई ब्रेक डाउन करेंगे नेगेटिव एग्जामिन की जब बात आएगी एग्जामिन का मतलब क्या होता exactly mean? है व्हाट एग्जैक्टली एग्जामिन मीन एग्जामिन मींस टू चेक समथिंग वेरी सिंपल ऑज दैट परीक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं टू चेक समथिंग और हाउ टू चेक समथिंग कि इसका जो कंसिक्वेंस होगा इसका कंसिक्वेंस कैसे आएगा जो भी एक्शन है इसके बाद क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं दैट इज में इसमें सिर्फ डाउन किए दोनों बातें लिखे बात खत्म यहां ओपन एंडेड है जो आपको लिखना अपने हिसाब से लिख लो एग्जामिन में उसके पे बात करनी ये, ये 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 होगा देखो एक बेसिक चीज की आंसर राइटिंग में एक चीज याद रखेंगे बेटा पहले तो सिंपल सा एक बात करनी मेंस की आंसर राइटिंग के थ्री पार्ट्स हैं पहले भी किसी ने किसी कहीं ना कहीं बात किया होगा थ्री पार्ट कौन कौन से होते हैं सर पहला तो है इंट्रोडक्शन सेकेंड इज मेन बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन अब देखो इंट्रोडक्शन इज बेसिकली पास्ट ऑफ द आंसर पास्ट ऑफ द टॉपिक जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसका पास्ट यह टॉपिक कहां से आया है मेन बॉडी इज द प्रेजेंट And the conclusion is the future. That is the future of that topic. द फ्यूचर ऑफ दैट टॉपिक जाएगा यह अब कहां तक जाएगा That is conclusion part. और हमेशा याद रखना यह आंसर का 10 से 15 परसेंट और ये भी 10 से 15 परसेंट होना चाहिए बाकी जो होगा 70 टू 80 परसेंट दैट should बी मेन बॉडी दैट शुड बी मेन बॉडी सो आई थिंक आपको ये क्रिटिकल वर्ड क्रिटिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड बोथ बायस्ड मत हो जाना क्रिटिकल शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता नहीं नहीं ये तो एक ही साइड स्टोरी नो यू हैव टू राइट बोथ साइड ऑफ स्टोरी द प्रोज एंड कॉन्स बोथ उसमें भी एनालिसिस का मतलब क्या होता है क्या बताया टू ब्रेक डाउन एग्जामिन मतलब कॉन्सिक्वेंस की ये कहां तक जाएगा और डिस्कस ओपन एंडेड राइट जस्ट अपने थॉट भी वहां दे सकते हो सो इन फर्स्ट ऑफ इंस्टैंस वी है इसके साथ जो जुड़ के आता है एनालिसिस एग्जामिनेई थिंक यू गॉट दिस डिस्कशन नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड द नेक्स्ट वर्ड आप कुछ एक साथ एक गुच्छे में रख सकते हैं एक आता है वर्ड डिस्क्रिप्शन या कहता है कि गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टॉपिक या एनमरेट इंडिकेट एक शब्द आएगा इंडिकेट डिस्क्रिप्शन एनमरेट इस तरह के जब वर्ड एक साथ हो देखो ये क्वेश्चन ये वर्ड्स जो होते हैं दे आर ये जब भी आ गए तो ये बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी का दे विल टॉक अबाउट ऑबजेक्टिविटी दे विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी मतलब इनका आंसर जो है एज इट इज इसमें आप कुछ अपना मसाला डालना। ऑब्जेक्टिविटी के साथ पूछे जाते हैं जब भी इस तरह के वर्ड आए एनमरेट इंडिकेट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब और ब्रिंग आउट ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं दे आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो आपने पढ़ा है वही लिख दो जस्ट राइट इट डाउन उसमें अपना कुछ मिक्सअप मत करो दे आर लाइक दैट फिर क्वेश्चन जब आता है इसमें क्या बताया ऑब्जेक्टिविटी राइट एज इट इज राइट एज इट इज जैसे है एज इट इज लिख दो उसमें अपना मत कुछ जोड़ो नो no. वही गड़बड़ हो जाएगा मामला फिर आता है जो एक और शब्दों का एक साथ मिलता है क्लैरिफाई क्लैरिफाइ एक्सप्लेन हाईलाइट इस तरह के जब शब्द हों क्लैरिफाइंग एक्सप्लेन हाईलाइट इलेट्रेट एल्युसिडेट एल्युसिडेट ये क्वेश्चन आप देखोगे ये जब टर्म कहीं यूज हो जाए इफ समथिंग इज सम क्वेश्चन इज यूज इन सच टाइप ऑफ टर्म तो ऐसे में याद रखिए आप जनरली देखोगे क्वेश्चन दे विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर और सब्जेक्टिविटी सबकी अपनी अलग अलग होगी एक जैसे तो सबकी थॉट यहां यहां आप अपना इनपुट भी दे सकते हो कैन गिव योर इनपुट ऑल्सो कैन गिव योर इनपुट ऑल्सो अब आप अभी आपसे पूछा गया अभी एक डिस्कस किया कि सर तब डिस्कस और ये इज ओपन एंड ओपन एंडेड कहां ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता सबके आंसर अलग हो सकते हैं यहां यू द टॉपिक आपके का सोच अलग हो सकती है कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक से जुड़े रहना उसमें डिस्कस में आप उस क्वेश्चन को कहीं भी ले जा ले जा सकते हो ठीक तो डिस्कस क्रिटिसाइज क्रिटिसिज्म क्रिटिकल के साथ साथ हमने क्या देखा क्रिटिकल के साथ एनालिसिस क्रिटिकली एग्जामिन क्रिटिकली कमेंट का भी क्वेश्चन आता है अब इस पर चलेंगे एंड क्रिटिकली एग्जामिन देखो एग्जामिन वाले वर्ड में एक चीज शायद अभी हमने मिस की एग्जामिन वाले वर्ड में जो होता है जब भी एग्जामिन का वर्ड आता है यहां वही चीज मैंने डिस्कस की मेरिट एंड डीमेरिट पर बात की जाती है इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या क्या डी मेरिट्स हैंट आर डिस्कस इन द एग्जामिन क्वेश्चन जब भी एग्जामिन की बात आती है देआर you, We used to write merits and and demerit. Basically, examine का जब होता है, examine question is basically debate or debate of right or wrong. It is debate of right or wrong. It is debate of right or wrong. कि ये चीज सही है, कि गलत है, और उसपे आपको answer लिखके और फिर last में at last आपको अपना एक इनपुट देते हुए कंक्लूड कर देना होता उसको इन एनी सच क्वेश्चन देन कुछ क्वेश्चन आते हैं कोई स्टेटमेंट देगा और कहेगा प्रूव सब्सटैंसिय प्रूव और सब्सटेंसिएट देखो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाते पढ़ने में तो टफ लगेंगे वो लेकिन आसान हो जाते हैं क्यों क्योंकि यहां प्री डिटर्मिन कंक्लूजन एक दिया होगा पहले से कंक्लूजन दे रखा है अब उस पर कहेगा आपकी राय बताइए अब आपकी राय दोनों हो सकती है अब कहेगा गिव रीज फॉर सपोर्ट योर ऑफ योर आंसर जो आपके आंसर है उसमें एक स्टेटमेंट है पिछले साल एपीएससी पी एस में आया था जस्ट गिव मी अ मिनट जस्ट गिव मी अ मिनट So, the question, it is from APC means, uh, the question is, it is a statement, a statement from Albert Einstein, if people are good only because they fear punishment and hope for reward, then we are a sorry lot indeed. Now, it prove, substantiate, whatever. तो एक अल्बर्ट आइंस्टीन के स्टेटमेंट और पहले से ही वो बात एक बोल दी है कि देखो हम एथिकल हम uh, अच्छे क्यों हैं पीपल आर गुड ओनली बिकॉज हम क्यों अच्छा काम जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत बार बात होती है एथिकल की एथिकल बिहेवियर की वॉट इज एथिकल बिहेवियर या बींग बींग लीगल इज इक्वल्स टू बींग एथिकल एथिकट कुछ लोग लाइव हैं बताओ भाई आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इज बीइंग लीगल इज बींग एथिकल टेल मी टेल मी आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर

no good good one uh, i got an answer if you study saying no anyone else yeah yeah good 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 good, good. let me clarify through an example an example of daily life every one of you i believe that every one of you used to wear helmet during riding the bike जब भी बाइक स्कूटी लेके निकलते तो हेलमेट लगा के जाते बट वट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग द हेलमेट कि मेरा चलान ना हो जाए बट देखो लॉ ऑलवेज वेन एवर वी टॉक अबाउट लॉ लॉ हैज टू थिंग्स वन इज द स्पिरिट ऑफ लॉ वन इज द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड सेकेंड इज द वर्ड ऑफ द लॉ स्पिरिट मतलब वाई दैट लॉ वॉज मेड स्प्रिट मीन्स वाई दैट लॉ वॉज मेड ट इज बिकम कंपल्सरी टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एक्सीडेंट होगा तो आपके ज्ञान बच जाएगा बट वाई वी आर यूज इन देलमेट टू गट द प्रोटेक्शन चलान नाम हो जाए यू आर लीगल बट यू आर नॉट एथिकल बिकॉज यू आर फॉलोइंग द लॉ ऑनली इन द लेटर नॉट इन द स्पिरिट यही यही आटीन का स्टेटमेंट था अब इसमें वही क्या प्रूफ ऑफ फैंसिट या समिंग क्या करते हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने पड़ते उसमें दिखानी पड़ती है, ये इन बट वी आर जैसे एक ऐसे एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं क्योंकि नहीं है, I will take different class for ethics, then उसमें डिस्कस करूंगा किस तरह से चीजें होती हैं बट दिस इज हाउ दिस इज हाउ दिज वर्ड शुड बी टेकल दैट इज वट आई दर वी आर टॉकिंग वट एवर

डिस्क डिस्क्रिप्शन इंडिकेट एन ऑब्जेक्टिव इसमें ज्यादा ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना जो आपको टॉपिक से पता वही लिखना स्टिक टू to लेकिन अगर इस तरह की चीजें थोड़ा सब्जेक्टिव यू कैन यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो यू कैन यूज योर पर्सनल थॉट ऑल्सो टू राइट द आंसर फिर आता है सर डिस्कस डिस्कसन ओपन एंडेड है जहां तक ले जाना लेकिन वही वर्ड लिमिट होनी चाहिए ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आ जाओ देन एग्जाम में मेरिट डिमेरिट लिखेंगे इट इज डिबेट ऑफ राइट इट्स गुड्स गुड केस ऑफ एवरसन रिलेशनशिप देर आर ऑफ ऑप्शनिंग केस स्टडी ऑन डेली बेसिस आई विल ट्राई टू कम थ्रू एवरी टाइप ऑफ केस स्टडी जस्ट आफ्टर दिस क्लास आफ्टर ब्रेक ऑफ टेन टू फिफ्टीन मिनट आई विल कम विदिकस स्टडी ऑल्सो as i have promised that before your men's examination before your apsc mains we are trying to discuss at least 150 case studies so that the phobia the phobia you have for case studies for ethics paper that will be vanish forever that will vanish forever because the thing is as i understand I, uh, through this journey of upsc in the last 10 years 7 8 9 10 years वन थिंग विच इज वेरी नेसेसरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन इज रैशनैलिटी अब बच्चे को यह नहीं पता वट इज रेशनलिटी पिछले बार यूपीएससी में किससे है? है क्या सत्य क्या क्या रेशनैलिटी होती क्या रैशनल व्यू पॉइंट क्या उठता है रैशनल व्यू पॉइंट इज द क्लैरिटी इन थॉट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किसी भी वजह से भावनाओं में नहीं बह रहा, वो एक जगह पर टिका हुआ आपने अपना एक व्यू पॉइंट जनरेट कर रखा है पॉजिटिवली जो बुद्ध धर्म बौद्ध जैन में है ना जैनिज्म में है समय ज्ञान सम्यक दर्शन समय चरित राइट नॉलेज राइटियस नॉलेज राइटियस राइट कैरेक्टर एंड राइट राइटियस फिलोसफी फिलोसफी में ही देखो ये एथिक्स वगैरह सारी चीज फिलोसफी में आते केस स्टडी भी वही है ओके ओके देन। आई थिंक यू हैव गॉट दिस डिस्कशंस देन अभिषेक थैंक यू थैंक यू अभिषेक ओके देन लेट्स डिस्कस सम अदर वर्ड्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई है माइन्यूट एनालिसिस िन हुआ फिर आता है एग्जामिन लिखा उसमें सिर्फ एग्जामिन लिखा मैं वी है डिबेट कैन बी देर इज अ डिबेट ऑफ राइट एंड रॉन्ग फॉर ऐसे क्वेश्चन में एट लास्ट यू कैन मेक अ बैलेंस कि हाँ जैसे एक इसका बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल आपको बताता हूं एक बहुत बेहतरीन सा या गुड गुड एपीएससी स्टडी गुड जैसे एक आ, एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं असम से स्पेशल एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजन अब बहुत डिबेट चल रहा था क्योंकि सिटीजनशिप के सेकंड चैप्टर जो पॉलिटी का हुआ एनआरसी है कि अब क्वेश्चन है कि शुड इट बी अप्लाइड टू पैन इंडिया और नॉट ऐसे में बड़ा ही परेशान है बच्चे अब एनआरसी को देके कहा एग्जामिन इज नीड एनआरसीड एग्जामिन अब अगर आप प्रो गवर्नमेंट थॉट वाले होंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है होना चाहिए नहीं वाले हैं आपको लग रहा नहीं इससे बहुत लोग नागरिकता चली जाएगी समथिंग तो आपको नहीं इट शुड नॉट बी डन इन एनी केस अब क्या किया जाए मैंने कहा ना एग्जामिन के क्वेश्चन में यू कैन मेक अ बैलेंस एट द एंड इसका स्टेटमेंट इसका जो एंडिंग स्टेटमेंट हो सकता है दैट कैन बी अ वेरी फाइन स्टेटमेंट कि एज पर मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी देखो एवरी कंट्री एवरी कंट्री हैव राइट टू नो अबाउट इट सिटीजन कि हुएवर पर्सन इज लिविंग इन द कंट्री द अथॉरिटीज ऑफ कंट्री हैव टू हैव द राइट टू नो अबाउट देम उनको पता होना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम क्या होंगे भाई एक डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या दस लाख और उसमें से एक हजार लोग ही ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार को कुछ नहीं पता अब अगर वो एक हजार लोग कभी किसी तरह का किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाए तो सरकार के लिए आप ही एज अ एजेंडेंट ऑफ पुलिस आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको ट्रैक करना उनको पकड़ना तो गवर्नमेंट नो अबाउट इच एंड एवरी सिटीजन और इसी के लिए क्या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हाँ सर इस पॉइंट ठीक तो लग रहा है फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि सर फिर किसी की नागरिकता चली जाएगी तो नहीं ये भी नहीं करने देंगे अगर कोई सच में इफ एनी वन इज लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया देन देयर सिटीजनशिप मस्ट बी प्रोटेक्टेड तो इसका जब कंक्लूजन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं सिंस टू अप्लाई इज अ हरकुलियन टास्क टू डू यूज फ्रेज अच्छा हो जाएगा आंसर थोड़ा अच्छा सिंस टू अप्लाई एनआरसी इज द हरकुलियन टास्क टू डू बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन सो

प्रूफ uh, सबस्टैंसियमेंट uh, बता दिया वहां एक प्री डिटर्मिंट कंक्लूजन दिया है उसी के आसपास बात करनी है आपको उसके सपोर्ट में आपको देने हैं एक एग्जाम्पल बताया डिस्कस ओपन एंडेड योर ऑन योर ऑन थाट द होलिस्टिक डायमेंशन ऑल द डायमेंशन इन ब्रीफ लिख सकते comment. Comment था था हो कमेंट जब कमेंट आता है तो यहां लोग परेशान हो जाते हैं कमेंट में क्या करें जब कमेंट आता है तो कमेंट में क्या लिखा जाए सर सिर्फ लिख के छोड़ दिया एक स्टेटमेंट दिया कहा कमेंट क्या किया जाए कमेंट इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन कमेंट इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन इट लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें थोड़ा सा मेरिट डिमेरिट बता दो जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं द कमेंट्री क्रिकेट कमेंट्री अब क्रिकेट कमेंट्री जब करते हैं तो जब कोई बॉल अच्छी जाती है तो उसकी पहले ये भी बताते हैं हाँ ये गेत थी उसकी अच्छाई और बुराई बताते हैं कि ये और अच्छी हो सकती थी या, या ऐसे भी अच्छी है वही कमेंट कमेंट कि इसमें कमेंट में आपको भी यहां भी पॉजिटिव लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन और यहां पॉजिटिव ज्यादा लिखते हैं नेगेटिव कम कर देते हैं और फिलोसफिकल कोर्स स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन वी हैव राइट बोथ द साइड सर देखो डिपेंड करता है कि उसके बाद कौन सा शब्द यूज किया है अगर कहा डिस्कस राइट इट डाउन जस्ट उसको एक्सप्लेन करो उसके बारे में बात करो छोड़ कोटेशन की बात को सा नहीं साइड। हाँ ये सही भी है लेकिन ये इन इन सही नहीं। भाई अब तीन जो वेस्टर्न फिलोसफर एंसियन फिलोसफर है सोक्रटिस एरिस्टोटल शुरू में कोई कहेगा डेमोक्रेसी को मना करेगा कोई फिलोसफर किंग की बात करेगा कोई कुछ बात करेगा तो हमें देखना पड़ेगा उसके बाद कौन सा टर्म यूज किया गया है उस हिसाब से आंसर डिस्कस की बात किया ओपन एंडेड जितना कुछ उसके बारे में समझना लिख दो एक्सप्लेन की बात किया अपना थॉट प्रोसेस भी लिख दो एनोसिडेट की बात किया उससे स्टिक होकर लिखना उसके इर्द गिर्द मत जाना तो डिपेंड करता है सिर्फ उसका नहीं है गुड तो ठीक फिर आता है एक एक लास्ट में आता है सजेस्ट द मेजर गीव सजेशन उसका बहुत अच्छा है सजेस्ट द मेजर क्या है? एक प्रॉब्लम होगी उसमें एक प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के बाद आपसे पूछ रहा पता होगा जैसे कल की केस स्टडी मैंने जो डिस्कस किया था कल की केस स्टडी सैटरडे की केस स्टडी डिस्कस हुआ था यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिस जहाज स्कैम हुआ है और ड्रॉट प्रोन एरिया क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे वट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ करें जिससे कि जिससे कि वहां पर आ, पहले लोग सूखे से बचे ड्रॉट से बचे बाकी चीजें बाद में देख लेंगे तो आई थिंक इट्स वी हैव डिस्कस एक बार पूरी को वो कर लेते हैं पहले क्लिटिसिजम की बात की फिर एग्जामिन बात करी एनालिसिस की बात हो गई प्रूव सब्सटेंसियसियस अरे सॉरी गिव आर्गुमेंट डिस्कशन ओपन एंडेड कमेंट एक्सप्लेनेशन विथ मेरिट एंड डीमेरिट हाँ ऐसे में मेरिट ज्यादा रख सकते हो डीमेरिट थोड़ी कम कर सकते हो सजेस्ट द मेजर पे बात हो गई डिस्क्रिप्शन एनमरेट इंडिकेट ऑब्जेक्टिविटी जैसे है वैसे लिख दो इल्यूसिडेट सब्जेक्टिव कैन गिव योर इनपुट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन अपना सिंपल देखो एक चीज और बताओ मेंस में बहुत विद्वान वाली भाषा कभी मत यूज करो कि वही सारा नॉलेज दिखा देंगे नो नो नॉट नीडेड जितना सिंपल रख सकते उतना सिंपल रखो जितना सिंपल रख सकते उतना सिंपल रखो लेट्स कम टू टू सम पे बात कर लेते हैं फिर हम आएंगे लेट्स कम टू सम कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ यहीं पर फिर चर्चा करेंगे आगे चलो सेकंड पेपर कहीं अब ये है पिछले साल का द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम बाइ सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द स्टेट विद द हेल्प ऑफ केस विद्पऑफ अब इसमें डिस्कस है ओपन एंड जितने केस लॉज आपको याद है लिख दो जितने केस लॉज है राइट ऑफ मूवमेंट वोमेंट एस दिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली अवेलेबल टू सिटीजन बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट अब कमेंट में क्या है पॉजिटिव साइड

फिर डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास तो इस तरह से आंसर्स को टेकल किया जाता है वी विल मीट एट फाइव पांच बजे फिर वापस मिलेंगे विद द डिस्कशन ऑफ डेली केस स्टडी थैंक यू अ लॉट